गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हो भाई, दिल्ली पुलिस का शिफ्ट वन का पेपर हो गया है, जिनका बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया पेपर था। अच्छा पेपर अच्छा इसलिए कहूंगा क्योंकि पेपर करने लायक था, आप कर सकते थे अगर आपने ढंग से पढ़ा था तो। अगर कुछ बच्चे अच्छा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं भाई, ढंग से करना। अब जिनका पेपर है उनके लिए क्या फायदा है कि आप क्वेश्चंस देख लो। हम आज जो बात कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं पॉलिटी और इको के जो क्वेश्चंस आए हैं, पॉलिटी और इको के जो क्वेश्चंस आए हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। और क्यों हम मैंने सिर्फ पॉलिटी और इको उठाया ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि एक तो पॉलिटी और इको इसलिए उठाया गया क्योंकि भाई यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनके हम डीप एनालिसिस देंगे आपको, तो ऐसा होगा कि सारे सब्जेक्ट उठा लेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी छोटी वीडियो हो, बट वो वीडियो हो बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल। ठीक है, मेरा नाम है सुमित मिश्रा और आपका सुमित मिश्रा जीके क्लासेस में स्वागत है। तो भाई आप जरा देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चन जरा ध्यान दो। तो पहला जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है वो आता है, अगर आप पॉलिटी के पॉइंट से देखोगे तो एक सेक्शन होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एक क्वेश्चन जो बना है वो बनता है क्या कि रॉलेट एक्ट जो था, कौन सा एक्ट, रॉलेट एक्ट, आप सभी को पता है रॉलेट एक्ट जो है उसी की वजह से क्या हुआ था भाई, जलिया वाला बाग कांड हुआ था, है ना, हुआ था कि नहीं हुआ था भाई, 1919 के अंदर, जहां पे मेजर डायर ने क्या कर दिया था भाई, लोगों के ऊपर फायर कर दिया था। रॉलेट एक्ट ये कहता था कि भाई अगर तुम कॉन्स्पिरेसी करते हुए पकड़े जाते हो, अगर तुम बात भी कर रहे हो, है ना, तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो ईस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, ठीक है, ना तो कोई वकील मिलेगा ना कोई दलील होगी, और आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट के टाइम पर हो ये क्वेश्चन आया था कि रॉलेट एक्ट कब आया। एक क्वेश्चन इसी के अंदर एक ये बना कि भाई पूछा गया कि जो नाइटहुड है क्या है, नाइटहुड का जो टाइटल है ठीक है वो क्यों वापस करा था गांधी जी ने। ठीक है, तो भाई ये नाइटहुड का जो टाइटल है वो वापस करा था, जो 1919 में वापस करा था, और इसके वापस करने के पीछे रॉलेट एक्ट था। एक क्वेश्चन ये भी है, नाइटहुड अगर पूछ दे कि क्या है भाई, तो याद रखना कि जैसे इंडिया का भारत रत्न है वैसे ही ब्रिटेन का यानी कि इंग्लैंड का, क्या इंग्लैंड का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, एक तरीके से टाइटल होता है जो दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर क्वेश्चन और डीप में जाएगा और पूछ लेगा तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ भाई जो रॉलेट एक्ट था उस समय भाई आपके वॉइस रॉय कौन था। तो याद रखना उस समय वॉइस रॉय थे लॉर्ड चेम्स फोर्ड, ये उस समय वॉइस रॉय थे इंडिया के। अच्छा अगर यहां से क्वेश्चन बना है तो एक बड़ा फेमस एक्टर रॉलेट एक्ट के बाद, अच्छा इन्हीं के टाइम पर एक एक्ट और आया था जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये दो अलग अलग एक्ट हैं। ठीक है, अच्छा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आया तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि भाई मतलब पूछने की जो एक्सपेक्टेशन है, जो पूछ सकता है कि बताओ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई बताओ कि जो आपका 1909 में जो एक्ट आया था उस एक्ट को क्या बोला जाता है, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और इसी एक्ट के थ्रू क्या करा गया था भाई कि मुस्लिम्स को सिर्फ कौन वोट देगा, मुस्लिम वोट देंगे। तो एक तरीके से जो सेपरेट कॉलोनिज्म था उसके फादर किसको कहा जाता है, मिंटो को। ठीक है, ये बात रहेगी याद। अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई नंबर ऑफ सीट्स कितनी बढ़ी थी, तो 16 से सीट्स को बढ़ा के 60 कर दिया गया था, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अच्छा और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले सेक्शन से और क्या क्वेश्चन बन सकता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपसे पूछ सकता है कौन सा कि भाई हंटर कमीशन, अगर जलियांवाले बाग कांड से आ गया तो पूछ सकता है कि हंटर कमीशन क्या था। अच्छा हो सकता है आपसे क्वेश्चन आ जाए क्या, पुणे पैक्ट,
आपसे पूछ सकता है गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कि किसने पार्ट लिया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये बन सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जो बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो दो अमेंडमेंट के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो मतलब और पेपर एनालिसिस वालों ने या कुछ बच्चों ने मुझे भेजे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, बने हैं जो, एक तो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया कब, 2003 में। तो इससे दो बातें हुई कि एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड करा गया कि भाई 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या मिलेगी, फ्री एजुकेशन मिलेगी, और दूसरा फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल कौन सा आया, ऐड किया गया आर्टिकल 21A, ये भी सेम बात ही करता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो हो सकता है जो पूछा गया वो बता देता हूँ। पहले पूछा गया कि भाई जो प्रियम्बल था उसमें कौन से तीन वर्ड जोड़े गए, तो आपको पता है सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये जोड़े गए। आपसे पूछ सकते हैं भाई 42nd अमेंडमेंट से और क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आई, फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन किसने करी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने। अच्छा, कमेटी ने ये भी बोला था कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी तोड़ता है तो आप क्या करो भाई, इसको आप उसको पनिश करो, पनिशमेंट दो, ये बात भी कही थी, कुछ फाइन लगाओ, कुछ फाइन लगाओ ये बोला था, हालांकि इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आपसे ये भी पूछ रहे कि 42nd अमेंडमेंट जब आया तो उस समय पीएम कौन था, आ सकता है इंदिरा गांधी। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है अमेंडमेंट में, और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो इंडिया में भी बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके बिहाफ पे जो एज है वो घटा दी गई थी, तो अमेंडमेंट का नाम है कौन सा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या करा गया था भाई, कि आपका बोला गया कि भाई आपकी जो एज 18 साल से 21 साल से घटा के कितनी कर दी गई, 18 साल कर दी गई। और हो सकता है आपसे पूछे इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, तो याद रखना इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है भाई, कौन सा, 324, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट की डेट क्या है, आ सकता है कि नहीं, तो ये आपसे पूछ लेगा, तो याद रखना 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात हो रही है तो आप एक और अमेंडमेंट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, हाँ पता है तुम लोगों को, बता दो, हाँ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस एक्ट के अंदर क्या बात की गई थी भाई, कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था, पर कहां रख दिया गया, हो सकता है ये पूछ लेते, याद रखना आर्टिकल 300A के अंदर। पीएम कौन था इस समय, तो याद रखना मोरारजी देसाई, क्लियर है बात, यहां पर कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन आया भाई, अगर हम बात करें तो देखो तीसरा क्वेश्चन जो फंडामेंटल ड्यूटीज से आया वो है कौन सा आपका, एक आपसे पूछा गया, सॉरी आर्टिकल 18, आर्टिकल 41। आर्टिकल 18 आपको पता है कि टाइटल के लिए मना करता है, और आर्टिकल 41 आपको देता है राइट टू वर्क, एक डीपीएसपी का है। अच्छा, और कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको रटे हुए होने चाहिए, मैं कह सकता हूं, ध्यान दो जरा, आर्टिकल 61 है ना, आर्टिकल आपका 108, आर्टिकल 1010, आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 17,
देखो ये सारे आर्टिकल तो आपको रटे हुए होने चाहिए, एक से लेके कहां तक 51A तक, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हर पेपर में आता है। जैसे आर्टिकल आपका 23 क्या कहता है, आपका आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल आपका 14 क्या कहता है, आर्टिकल आपका 39 क्या कहता है, 39A क्या कहता है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये पता है कि अभी ये तो कुछ ऐसे चुनिंदा चीजें हैं ना, जो बार बार पेपर में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। आप उसे मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकते यार, इसे थोड़ी नहीं छोड़ के जाओगे, है ना। ये तो बहुत ज्यादा वाली बात हो गई ना, ये तो ऐसा हो गया पेन पेन ना भूल गए, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आप रिस्क ही नहीं ले सकते। उसके बाद देखो तो आप और कहां से पूछा गया है, तो आपका देखो हम बार बार ना, मैं क्लास में पढ़ाता रहता हूँ, बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि भाई देखो ज्वाइंट सिटिंग से क्वेश्चन आएगा, ज्वाइंट सिटिंग से क्वेश्चन आएगा, ज्वाइंट सिटिंग से क्वेश्चन आएगा, है ना भाई, संयुक्त बैठक से। तो अभी इस बार ट्विस्ट कर दिया, क्या ट्विस्ट कर दिया, पहले ज्वाइंट सिटिंग पूछता था पार्लियामेंट वाली, इस बार पार्लियामेंट वाली नहीं पूछी। अब पार्लियामेंट की तो कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट। अब इस बार पूछ लिया कि भाई बताओ कि जो विधानमंडल है, यानी कि आपका स्टेट के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव जो है, उसकी कौन बुलाएगा, तो पता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए, गवर्नर बुलाएगा उसकी, खत्म बात। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, तो ये अच्छा। उसके बाद देखो इको के सेक्शन से वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन पता नहीं चले, जहां जहां भी मैंने यूट्यूब पे भी देखा और जहां जहां भी मेरे को देखने को मिले, तो बेसिक तीन क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, तीन के चार कह लो तो गलत नहीं होगा। एक तो आपको मिला क्या, कि भाई आपका नेशनल इनकम के बारे में, देखो भाई नेशनल इनकम में आप पढ़ लेना, वैसे तो मेरी वीडियो भी पढ़ी है, नेशनल इनकम में मेथड पढ़ लेना, तीन मेथड होते हैं, ये पढ़ के जाना। उसके साथ साथ आप क्या पढ़ लेना कि भाई डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ठीक है, आपका हो सकता है पूछ ले पर कैपिटा इनकम क्या है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि इंडिया की क्या जीडीपी कौन से नंबर की है, जो कि इस समय फिफ्थ नंबर पे है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद पूछा है 5 ईयर प्लान से, ये तो हर बार आता है, ये भी वही वाली बात, 5 ईयर प्लान है, तो याद रखना कि 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन तो बड़ा फेमस यही है, तो जो आया था कि भाई कहाँ से लिए गए हैं, जैसे USSR से लिया गया है, नहीं मिले पेपर में तो रशिया होगा। अच्छा उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि 5 ईयर प्लान में से एक क्वेश्चन याद आता कि भाई बैंकों का नेशनलाइजेशन कब होता है, बैंकों का क्या नेशनलाइजेशन कौन से वाले प्लान से हुआ था, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता कि भाई नाबार्ड की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, किस प्लान के अंतर्गत हुई थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई 5 ईयर प्लान में एक तो 11th और 12th, 5 ईयर प्लान की क्या याद रखना बच्चों, थीम याद रखना, थीम देख लेना एक बार, ठीक है। और क्या 5 ईयर प्लान से आपको दिमाग में रखने वाली बात है, हाँ एक तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो है ना, 5 ईयर प्लान उसका जो मॉडल है वो किसने दिया है, पूछ लेता है पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद इको से और क्वेश्चन कौन सा आया था, पूछा गया भाई जो ग्लोबलाइजेशन है, क्या ग्लोबलाइजेशन जो है, जो हम पढ़ते हैं ना बार बार, क्या एलपीजी एलपीजी एलपीजी, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है निगमो, ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो पढ़ते हैं 1991 में जो हुआ था, तो क्वेश्चन याद पूछ लेगा कि भाई किसने किया था, जैसे मनमोहन सिंह ने, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उस समय पीएम कौन थे, तो पेपर में अभी पीएम वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, स्कीम से तो देखो क्वेश्चन आता ही है, आप इसको तो मना कर ही नहीं सकते, और इस बार जो स्कीम पूछी गई क्या, पीएम गरीब कल्याण योजना, ठीक है ना, जिसमें 5 किलो गेहूं भी दिया जा रहा था, कुछ पैसे भी दिए जा रहे थे, ठीक है। तो एक बार ये वाली स्कीम्स देख लेना। अब स्कीम्स में देखो पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना देख लेना, उज्ज्वला योजना देख लेना, स्वच्छ अभियान देख लेना, ये सारी स्कीम्स एक बार जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर के अंदर आती है, क्लियर है बात। तो अभी जो हम एनालिसिस के पार्ट पर देखे, तो वो आपका कुछ हद तक इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, कहां से दिल्ली पुलिस और सॉरी कहां से पॉलिटी और इको के सेक्शन से। तो अगर आपको और बेहतर करना है अपने आप को और बेहतर देखना है, तो
एक बार ये जो स्पेसिफिक टॉपिक्स मैंने डिटेल में आपको बता दी कि ये चीज आप देख लेना, एक बार इनको जरूर ध्यान रख करके पेपर देने जाना। अगर आप चाहोगे कि एक पर्सनलाइज वीडियो में एक और क्वालिटी, तो प्लीज कमेंट करके बताना, तो मैं आपको आप मुझे एक बार बता देना तो मैं आपको तुरंत इसका क्या दे दूंगा, आपको एक बेहतर सी एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है, जिससे आपका और फायदा हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, और ध्यान दीजिए, सेशन टेक के अनुसार लगे रहो, करते रहो, मेहनत और चक देना पटे। बाय बच्चों।